हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रिक्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट 3 मंथ के ऑल इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम हो या फिर असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो हैं। जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं हमने इन 3 मंथों से जो इम्पोर्टेंट करंट बनता है उनसे लिया है, तो वीडियो को आप ध्यानपूर्वक ज़रूर देखना। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। इस वीडियो में हम अगस्त, सितंबर और अक्टूबर मंथ से संबंधित करंट अफेयर का डिस्कस करेंगे, और नवंबर का करंट अफेयर जब ये मंथ पूरा होगा तो मैं अपलोड कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान का प्रथम आर्किड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया उदयपुर में। उदयपुर का जो सज्जनगढ़ बॉटनिकल पार्क है वहाँ पर फर्स्ट आर्किड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जरूर ध्यान रखना। शायद ये एक दो एग्जाम में पूछा गया है हाल ही में, तो इसका जरूर ध्यान रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं दीपक उप्रेती। इनसे पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे राधेश्याम गर्ग। और इसके अलावा एक फैक्ट और है फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे SK घोष। कौन थे? SK घोष। तो आप इन दोनों का जरूर ध्यान रखें, SK घोष और दीपक उप्रेती का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस इंडेक्स है उसमें राजस्थान को स्थान मिला है 9वां। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जरूर ध्यान रखना। और फर्स्ट स्थान किसे मिला है? तो फर्स्ट स्थान मिला है आंध्र प्रदेश को। किसे मिला है? आंध्र प्रदेश को। और अंतिम स्थान मिला है मेघालय को। जो ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स किसके द्वारा जारी की जाती है? ये जारी की जाती है विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अन्नपूर्णा दूध योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अधिक बार मतलब पूछा जा रहा है, तो इसका जरूर ध्यान रखना। इसकी शुरुआत हुई थी जुलाई 2018 को। ठीक है, और डेट भी पूछी जाती है, डेट का जरूर ध्यान रखना। 2 जुलाई 2018 को अन्नपूर्णा दूध योजना की शुरुआत हुई। शुभारंभ भी पूछा जा सकता है, तो शुभारंभ इसका हुआ है दहमी कला जयपुर से। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान के खिलाड़ी सुंदर सिंह गुज्जर का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है जेवलिन थ्रो से। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका भी जरूर ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो सुंदर सिंह गुज्जर है ये राजस्थान के खिलाड़ी हैं और इनका संबंध है जेवलिन थ्रो से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान डिजीफेस्ट का 4वां संस्करण कहाँ आयोजित करवाया गया था? तो राजस्थान डिजीफेस्ट का 4वां संस्करण आयोजित करवाया गया बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर में। इससे पहले 3 संस्करण हो चुके हैं, और वो देखते हैं वो कहाँ कहाँ पे हुए थे। वो हुए थे कोटा, उदयपुर और जयपुर में, और 4वां हुआ है अभी बीकानेर में। और ये किसके द्वारा आयोजित करवाए जाते हैं, इसका भी आप ध्यान रखें। तो ये आयोजित करवाया गया राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान डिजीफेस्ट का कौन सा चरण हाल ही में आयोजित करवाया गया, तो 4वां संस्करण, और कहाँ? तो बीकानेर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहरों में राजस्थान के किस प्रदेश को स्थान मिला है? तो विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट शहरों में राजस्थान के जयपुर शहर को इसमें स्थान मिला है, और भारत के कुल 6 शहरों को स्थान मिला है जिसमें जयपुर एक है। ठीक है, तो इसका आप जरूर ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जिम्बाब्वे के चुनाव में अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में किन्हें भेजा गया है? तो ये भेजा गया है कृष्ण कुणाल को। किन्हें भेजा गया है? कृष्ण कुणाल को। जिम्बाब्वे की सरकार ने मतलब भारत सरकार से रिक्वेस्ट की कि उनके यहाँ चुनाव हो रहे, तो भारत से अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में किन्हें भेजा जाए, तो भारत सरकार ने फिर कृष्ण कुणाल को भेजा है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है और चुनाव भी आने वाले हैं, तो जो वो भारत के मुख्य चुनाव अधिकारी हैं वो है OP रावत। इसका जरूर ध्यान रखें। अगर सतर्कता आयुक्त की बात करें तो सतर्कता आयुक्त हैं KV चौधरी, और जो ये भारत के महान्यायवादी हैं वो है KK वेणुगोपाल। इनका भी आप जरूर ध्यान रखें, ऐसे एक फैक्ट मतलब एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया? तो मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 11 जुलाई को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जरूर ध्यान रखें।
11 जुलाई को। और इस बार की जो थीम थी, इस थीम का भी आप जरूर ध्यान रखें, इस बार की थीम थी फैमिली प्लानिंग इज ह्यूमन राइट। क्या थी? फैमिली प्लानिंग इज ह्यूमन राइट। अक्सर ये थीम पूछी जाती है, तो इसका जरूर ध्यान रखें। इस बार की जो विश्व जनसंख्या दिवस की थीम ये थी। और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट डेट ये भी है, 15 जुलाई वर्ल्ड यूथ स्किल डे के लिए, मतलब 15 जुलाई को जाना जाता है, तो इसका भी आप ध्यान रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेमन मैक्सेसे पुरस्कार 2018 से किन भारतीयों को नवाजा गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों भरत वाटवटी और सोनम वांगचुक, इन दोनों को रेमन मैक्सेसे पुरस्कार से इस बार नवाजा गया है। तो अब देखते हैं ये रेमन मैक्सेसे जो पुरस्कार है इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार। और जो ये भरत वाटवटी है, इनको बीमार गरीब परिवारों को मिलाने का इन्होंने अच्छा काम किया है, इसीलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। और जो ये सोनम वांगचुक हैं, इनको शिक्षा और संस्कृति एवं पर्यावरण के जरिए सामुदायिक प्रगति की ओर मतलब अच्छा काम किया है, तो इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, तो इनका जरूर ध्यान रखें। और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो रहा है, तो जरूर ध्यान रखना फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जन आरोग्य योजना कब लागू हुई? तो जन आरोग्य योजना लागू हुई 23 सितंबर 2018 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, काफ़ी अधिक पूछा जा रहा है, तो इसका जरूर ध्यान रखें। और इसका एक अन्य नाम भी है, वो है आयुष्मान भारत योजना। और ठीक है, तो इसका जरूर ध्यान रखना, ये कब शुरू हुई? ये शुरू हुई 23 सितंबर 2018 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के लिए किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये इन्हें नियुक्त किया गया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद कुमार को। आनंद कुमार वर्तमान में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। इनसे पहले जो राजस्थान के मुख्य चुनाव अधिकारी थे वो थे अश्विनी भगत, इनका भी आप जरूर ध्यान रखें। और ओपी रावत तो भारत के मुख्य निर्वाचन अधिकारी है ही है, ठीक है। और अगर जो इनके दो सहायक हैं, ओपी रावत के भी दो मतलब सहायक निर्वाचन अधिकारी हैं, तो वो कौन? उनमें एक तो सुनील अरोड़ा है, एक अशोक लवासा है, इसका भी आप जरूर ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 69वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह मनाया गया जयपुर जामडोली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जरूर ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का गठन कहाँ किया गया? तो इसका गठन किया गया उदयपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वसुंधरा राजे ने भामाशाह टेक्नो हब का उद्घाटन कहाँ से किया? तो वसुंधरा राजे ने भामाशाह टेक्नो हब का उद्घाटन किया, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, जालना जयपुर से, ठीक है। और इस जो भामाशाह टेक्नो हब के उद्घाटन का जो मुख्य कारण क्या है, क्यों इसको स्थापित किया गया? तो इससे मतलब स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ही इसको मतलब शुरू किया गया है, ठीक है। आधुनिक तकनीकी से यह सुसज्जित संगठन है, इसका जरूर ध्यान रखना। इसका उद्घाटन किया है वसुंधरा राजे ने, और झालाना जयपुर में यह स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बप्पा रावल की पनोरमा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बप्पा रावल की पनोरमा का उद्घाटन किया गया उदयपुर। बप्पा रावल उदयपुर के ही मेवाड़ के राजा थे, तो वहां पर उदयपुर में ही इनकी पनोरमा का उद्घाटन किया गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका जरूर ध्यान रखना कि छबड़ा सुपर थर्मल पावर क्रिटिकल जो पावर प्लांट है कि 5वीं इकाई से वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है, तो इसका जरूर ध्यान रखना, कौन सी इकाई का? तो 5वीं इकाई का। और ये तो आपको पता ही होगा कि ये किस जिले में स्थित है, छबड़ा सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ये है बारा जिले में। अब जो ये छबड़ा सुपर पावर थर्मल ये है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाला थर्मल स्टेशन बन गया है, तो इसका भी आप जरूर ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर में किसे शामिल करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है? तो यह किया गया है जयपुर के परकोटे का। और ये क्वेश्चन भी एक दो एग्जाम में पूछा गया है, मैं जो मंथली वार जो ये करंट अफेयर की वीडियो डालता हूँ उसमें ये बताया भी था, और काफ़ी बच्चों को जिन्होंने देखा होगा उनको ये फायदा भी हुआ होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका जरूर ध्यान रखना कि जयपुर के परकोटे को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान के किन दो शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है? तो यह किया गया है इमरान खान मेवाती और सोनम जाखड़ को, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका नाम आप जरूर ध्यान रखना, इमरान खान मेवाती और सुमन जाखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया?
ये मनाया गया 12 अगस्त को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार की जो थीम है इसकी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका जरूर ध्यान रखें। सेफ प्लेस फॉर यूथ, क्या है? सेफ प्लेस फॉर यूथ, ठीक है। 2018 की यह थीम है और 12 अगस्त को यह मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कहाँ मनाया गया? तो यह पहले ये देखते हैं कि जो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 7 अगस्त को और यह राजस्थान में इस बार मनाया गया जयपुर में। कहाँ मनाया गया? जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमृता देवी विष्णोही स्मृति पुरस्कार किन्हें 2017 में प्लांटेशन कार्यों के लिए दिया गया? तो ये दिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका जो सही आंसर है वो है डी, ए और बी दोनों सही है, मतलब रागिनी शाह और प्रकाश चंद्र शर्मा, इन दोनों को प्लांटेशन कार्यों में अच्छा काम करने के लिए अमृता देवी विष्णोही स्मृति पुरस्कार 2017 दिया गया है। अभी 2018 के विजेताओं के मतलब नाम घोषित नहीं किया गया है, तो ये जो किए गए ये 2017 के, ये भी अगस्त महीने में किए गए थे, तो इनका आप जरूर ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट है। इनका नाम वापस एक बार बता देता हूँ, डॉक्टर रागिनी शाह और प्रकाश चंद्र शर्मा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री ने पराक्रम पर्व प्रदर्शनी का जो उद्घाटन कहाँ से किया? तो प्रधानमंत्री ने पराक्रम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जोधपुर से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, तो इसका जरूर ध्यान रखें। और ये जो पराक्रम पर्व प्रदर्शनी का उद्घाटन सर्जिकल स्ट्राइक की थी भारत सरकार ने, उसके 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह पराक्रम पर्व प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया, इसका जरूर ध्यान रखना। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्री खेमा बाबा पनोरमा का शिलान्यास कहाँ से किया गया? तो श्री खेमा बाबा पनोरमा का शिलान्यास किया गया बाड़मेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया 2018 का आयोजन किया गया सीतापुरा जयपुर में, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको काफ़ी मतलब यूँ क्लोज क्लोज दे सकते हैं, तो आप सटीक भी ध्यान रखें कि सीतापुरा जयपुर में स्मार्ट सिटी एक्सपो इंडिया 2018 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष कर दिया गया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जरूर ध्यान रखें। वर्तमान में राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल कर दिया गया है 8 वर्ष, पहले था 5 वर्ष, अब कर दिया गया है 8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत रूस के मध्य अविंद्रा जो युद्धाभ्यास होने वाला का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका जो सही आंसर है, और ये जो अविंद्रा युद्धाभ्यास है यह वायुसेना का युद्धाभ्यास है और ये भारत और रूस के मध्य होगा, ये होगा जोधपुर में। कहाँ होगा? जोधपुर में। इम्पोर्टेंट है, जरूर इसका आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसरो राजस्थान में कहाँ अपना सेंटर खोलेगा? तो इसरो राजस्थान में अपना सेंटर खोलेगा जयपुर में, इसका जरूर ध्यान रखना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसरो राजस्थान में अपना सेंटर कहाँ खोलेगा, तो ये खोलेगा जयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा मेरा पुरस्कार 2018 किन्हें दिया गया है? तो ये दिया गया है सवाई सिंह शेखावत को। कहाँ के हैं? तो जयपुर के हैं। इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, जरूर ध्यान रखना, जो ये मेरा पुरस्कार है इसका जरूर ध्यान रखना, ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये दिया जाता है राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा। और ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि मेरा पुरस्कार किनके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाई सिंह शेखावत को मेरा पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए दिया गया? तो उनकी कृति का नाम है निज कवि धातु बचई, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, इसका आप जरूर ध्यान रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब लास्ट मंथ अक्टूबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, एशियन पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने डिस्कस थ्रो में जीता है कांस्य और जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीता है? तो ये जीता है सुंदर सिंह ने। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखना, इन्होंने डिस्कस थ्रो में तो जीता है कांस्य पदक और जेवलिन थ्रो में जीता है रजत पदक, तो इसका जरूर ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन पहले पूछा गया है कि सुंदर गुर्जर का संबंध किससे है, किस खेल से है, तो उनका जो मुख्यतः संबंध है वो है जेवलिन थ्रो से, तो इसका आप जरूर ध्यान रखना। उन्होंने जो कांस्य पदक जीता है डिस्कस थ्रो में वो जीता है 47 मीटर की थ्रो करके, और रजत पदक जीता है 61 मीटर की मतलब थ्रो करके, जेवलिन थ्रो और रजत पदक जीता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। ये मतलब काफ़ी अच्छे खिलाड़ी है और ये राजस्थान से इनका संबंध है, तो जितने भी मैं करंट अफेयर डिस्कस कर रहा हूँ ये राजस्थान बेस्ड है। अगर आप नेशनल लेवल का भी करंट अफेयर चाहते हैं तो मुझे बता सकते हैं,
मैं उसका भी करंट अफेयर का वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देश का सबसे बड़ा भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर कहाँ शुरू किया गया? तो यह किया गया जयपुर में। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर का मतलब कहाँ शुरू किया गया? तो ये किया गया जयपुर में। कब किया गया? तो ये भी पूछा जा सकता है। तो 6 अक्टूबर 2018 को इसकी शुरुआत हुई। और ये किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये विकसित किया गया सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के द्वारा। ठीक है, तो जरूर ध्यान रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये आप देख सकते हैं, जो ये भामाशाह स्टेट डाटा सेंटर है, इसका एक नज़ारा देख सकते हैं आप। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? तो आप जरूर ध्यान रखें कि ये जयपुर में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में कितने जिलों में समेकित कुपोषण प्रबंध कार्यक्रम पोषण 2 का शुभारंभ किया गया? तो यह किया गया 20 जिलों में। ठीक है, अगर ब्लॉक्स की बात करें तो 46 ब्लॉकों में यह कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। और इसके तहत कितने बच्चों को लक्षित किया गया है? तो 13,500 अति कुपोषित बच्चों को इस कार्यक्रम के तहत लक्षित किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान रखना। इसमें कितने जिले शामिल है? तो 20 जिले शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के किस चरण का हाल ही में शुभारंभ हुआ है? तो ये हुआ है 4th चरण का, जो कि इसका शुभारंभ हुआ 3 अक्टूबर 2018 को। ठीक है, तो महात्मा गांधी जयंती के एक दिन बाद में यानी 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का 4th चरण शुरू हुआ। अब बात करते हैं जो 1st चरण कब शुरू हुआ था, तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो मैंने इसीलिए इन सभी को इंक्लूड कर दिया है, तो इससे आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। तो 1st जो जल स्वावलंबन अभियान का चरण शुरू हुआ था, वो हुआ था 27 जनवरी 2016 को। 2nd 9 दिसंबर 2016, 3rd 9 दिसंबर 2017, और ये 4th हुआ है 3 अक्टूबर 2018 को। तो इनका जरूर ध्यान रखें। अब जो ये 4th वा इसका शुभारंभ हुआ है, ये हुआ है दुर्गापुरा जयपुर से। ये भी पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन का 4th चरण का शुरुआत कहाँ से हुई है? तो ये हुई है दुर्गापुरा जयपुर से। इसके अंतर्गत 23 जिलों की सभी 295 पंचायतें शामिल है, और इन पंचायतों के 4,000 गांव इस अभियान के अंतर्गत शामिल है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप जरूर ध्यान रखें। अब नेक्स्ट देखते हैं, आप ये चित्र देख सकते हैं, चित्र में ये दे रखा है जो उद्घाटन समारोह का एक चित्र है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दे रखा है, राजस्थान की जल स्वावलंबन योजना को किस देश ने अपने यहाँ पर भी आरंभ किया है? तो यह किया है दक्षिणी अफ्रीका ने। इसका ई आंसर सही है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि राजस्थान की एक योजना को मतलब फॉलो किया है एक देश ने। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका ने। तो मैप में आप इसकी स्थिति देख सकते हैं दक्षिण अफ्रीका की। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है दक्षिण अफ्रीका, जो कि अफ्रीका के सबसे साउथ में है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने 35वें यूथ नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो ये जीती है राजस्थान ने। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान ने 35वीं यूथ नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीती है। इसका आयोजन हुआ था उदयपुर में, और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए राजवीर सिंह। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जो ये चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ का से संबंधित एक जीके का सॉरी चित्तौड़गढ़ क्या उदयपुर उदयपुर से संबंधित जीके का एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि वन्य जीवों के काफ़ी अधिक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने इसीलिए इनको भी इंक्लूड किया है। तो उदयपुर का जो वन्य जीव है उसको देख लेते हैं, तो वो है कब्बर बिच्छू। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उदयपुर का वन्य जीव क्या है, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, तो अगर आप ध्यानपूर्वक इसका ध्यान रखें तो आपका वो आंसर सही होगा। तो उदयपुर का जो वन्य जीव है वह है कब्बर बिच्छू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की किस कंपनी को DJSI वर्ल्ड की पर्यावरण श्रेणी में 1st स्थान मिला है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जरूर ध्यान रखना फ्रेंड्स। पर्यावरण श्रेणी में 1st स्थान मिलने वाली जो ये कंपनी है, यह है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ठीक है, देबारी उदयपुर में इसका ठीक है ये स्थित है, देबारी उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। तो इसका संबंध राजस्थान से है, और इसे DJSI वर्ल्ड की पर्यावरण श्रेणी में 1st स्थान मिला है। अब ये DJSI का फुल फॉर्म क्या है? तो डो जोन्स सस्टेनेबिलिटी वर्ल्ड इंडेक्स, ठीक है, 2018। और अगर पूरे विश्व स्तर पर बात करें, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को कौन सा स्थान मिला है? तो वो मिला है 5वां, और भारत के स्तर पर बात करें तो 1st स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
125वें राष्ट्रीय दशहरे का शुभारंभ कहाँ किया गया, यह किया गया ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है कोटा में। ठीक है, तो जरूर ध्यान रखें, कोटा में 125वें राष्ट्रीय दशहरे मेले का शुभारंभ किया गया। कब किया गया इसका भी ध्यान रखें, 10 अक्टूबर 2018 को। अब देखते हैं जो कोटा का वन्य जीव क्या है, तो कोटा का वन्य जीव है उदबिलाव। क्या है? उदबिलाव। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आप ध्यान रखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पीर फखरुद्दीन की दरगाह का हाल ही में उर्स भरा है, यह किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है डूंगरपुर जिले में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखना, यह राजस्थान जीके का एक क्वेश्चन है और इनका फखरुद्दीन का हाल ही में उर्स भरा है, तो ये सुर्खियों में है, तो जरूर ध्यान रखें। और स्थान की बात करें तो ये स्थान गलियाकोट में स्थित है इनका जो ये दरगाह है। ठीक है, अब बात करते हैं जो ये डूंगरपुर है, डूंगरपुर का वन्य जीव क्या है, तो डूंगरपुर का वन्य जीव है जंगिल। क्या है? जंगिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, कहाँ पर देश का फर्स्ट ग्लोबल काउंटर टेररिज्म सेंटर खोला गया है? यह खोला गया है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है जयपुर में। कहाँ खोला गया? जयपुर में। इसका इसके निर्माण में व्यय आया है टोटल 275 करोड़। कितना आया? 275 करोड़। और इसमें भागीदारी है केंद्र की है 60% और राज्य सरकारों की, मतलब राजस्थान सरकार की है 40%। तो इसका आप जरूर ध्यान रखें, मतलब 275 करोड़ जितने भी लागत आया है उसमें 60% भुगतान करेगा केंद्र सरकार और 40% राजस्थान सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जो ये अब बात आई है जयपुर की, तो जयपुर का वन्य जीव देख लेते हैं। जयपुर का वन्य जीव है चीतल। क्या है? चीतल। तो इम्पोर्टेंट है, इसका भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ भारत ग्रामीण सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018 में राजस्थान के किस जिले को टॉप 50 में स्थान मिला है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखें, टॉप 50 में स्थान मिला है चित्तौड़गढ़ जिले को। ठीक है, और ये कौन सी रिपोर्ट है? यह है स्वच्छ भारत ग्रामीण सर्वेक्षण रिपोर्ट 2018। स्थान मिला है कौन सा? अगर स्थान की बात करें तो 43वां स्थान मिला है, हालांकि काफी कम स्थान है। ठीक है, 50 में 43वां तो काफी पिछड़ा है, लेकिन फिर भी मिला है तो अच्छी बात है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ को मिला है। जयपुर की बात करें तो 68, और झुंझुनू की बात करें तो 97, और जोधपुर को मिला है 99वां। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, जो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ का वन्य जीव क्या है? चौसिंगा है, इसका जरूर ध्यान रखें, साइड में चित्र में दे रखा है। वन्य जीवों के क्वेश्चन डेफिनेट हर एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है ताकि आपका बेनिफिट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष का पद का जो कार्यभार कौन संभाल रहा है? तो जो सुमन शर्मा थी, इनका कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो वर्तमान में इसका जो पदभार संभाल रहा है, कार्यभार, तो वो संभाल रही है अमृता चौधरी, जो कि राजस्थान महिला आयोग के सदस्य सचिव पद पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मदन लाल खुराना का देहावसान हो गया है, राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले वे कहाँ के सीएम थे? तो वे थे दिल्ली के सीएम। इनका जरूर ध्यान रखें, तो और इनकी बात करते हैं मदन लाल खुराना की, तो ये इनका संबंध भाजपा पार्टी से भी था और ये राजस्थान के राज्यपाल रह चुके हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी फॉर स्मॉल डिस्टरबेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यायरो सारथी कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? तो सॉरी, कब किया गया? तो यह किया गया 24 अक्टूबर 2018 को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, न्यायरो सारथी कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? तो यह किया गया 24 अक्टूबर 2018 को। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है आम लोगों को विधिक सलाह व सहायता देना। और शुभारंभ की बात करते हैं, तो इनका शुभारंभ किया है राजस्थान उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं प्रदीप नंद्रजोग ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए, साइड में इनका चित्र भी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में कौन मिसेज इंडिया यूनिवर्स 2018 बन गई है? ये बनी है प्रीति मीणा। ठीक है, और इनका संबंध है राजस्थान के किस जिले से? करौली जिले से। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सीएम अमृत आहार योजना से संबंधित है? तो फ्रेंड, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। अब बात करते हैं तीनों ऑप्शनों की, आंगनबाड़ी जो आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिल्क पाउडर उपलब्ध कराना, और 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए यह है योजना है, और इसकी विधिवत शुरुआत हुई थी 17 जुलाई 2018 को। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद रखने हैं, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना से संबंधित कौन सा कथन सत्य है, कौन सा गलत है ऐसे। अब बात करते हैं बच्चों को
इसमें कितना मिल्क पाउडर मिलेगा, तो इस बच्चों को मिलेगा 15 ग्राम मिल्क पाउडर, अन्य को मिलेगा 19 ग्राम मिल्क पाउडर। अन्य में कौन कौन, तो अन्य में है गर्भवती महिलाएं और धात्री महिलाएं। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। इसका जरूर ध्यान रखें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, 17 जुलाई 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ वोकेशनल ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी के लिए इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2018 से नवाजा गया है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी को। स्थान की बात करते हैं, ये कहाँ स्थित है, यह है स्थित है महिंद्रा वर्ल्ड सिटी सेज, जो कि जयपुर में स्थित है, वहां पर यह यूनिवर्सिटी स्थित है और इनको ही मिला है इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2018। यह निजी क्षेत्र में स्थित भारत की पहली स्किल यूनिवर्सिटी है, तो यह एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, इसका भी आप जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के किस एथलीट ने एशियन पैरा गेम्स 2018 में 400 मीटर टी 45-46-47 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तो इसका सही आंसर है संदीप मानसिंह। तो इसका जरूर ध्यान रखें, संदीप मानसिंह राजस्थान के एक क्या है एथलीट हैं, और इन्होंने जो एशियन पैरा गेम्स हुए हैं जकार्ता इंडोनेशिया में, उनमें 400 मीटर में कांस्य पदक जीता है। तो इससे आप इतना ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 दिसंबर को राजस्थान विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो यह कौन से भी विधानसभा के चुनाव है, तो ये चुनाव है 15वीं विधानसभा के। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखें। अब बात करते हैं, हालांकि मैं आप आगे बता चुका हूँ कि राजस्थान के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है वो है आनंद कुमार। इस बार की जो चुनाव की थीम रखी गई है वो रखी गई है सुगम मतदान, और पहली बार राजस्थान में वीवीपैट का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में ACT लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें दिया गया, तो ये दिया गया, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है, प्रोफेसर RV सिंह को यह अवार्ड दिया गया है, ACT लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अब जो ये ACT लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये किसके द्वारा दिया जाता है, ये दिया जाता है एसोसिएशन ऑफ केमिस्ट्री टीचर्स, ठीक है, केमिस्ट्री टीचर्स, होमी भाभा सेंटर ऑफ साइंस एजुकेशन मुंबई के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। और यह हम आपके एग्जाम्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है कि जो ये प्रोफेसर RV सिंह है, इनका संबंध राजस्थान विश्वविद्यालय से रहा है, और ये राजस्थान विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान के पूर्व विभाग अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इसीलिए ही आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इनका आप जरूर ध्यान रखना, प्रोफेसर RV सिंह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस ऐप के माध्यम से आचार संहिता के उल्लंघन होने पर शिकायतें दर्ज करवाई जा सकती हैं, तो यह ऐप है सी विजिल ऐप, ठीक है, तो इसका जरूर ध्यान रखना, सी विजिल ऐप के तहत आप आचार संहिता का अगर कहीं भी उल्लंघन होता है तो आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, और अगर आप शिकायत दर्ज करवाएंगे तो आपकी शिकायतों की गोपनीयता रखी जाएगी और आपकी शिकायत के 100 मिनट के अंदर ही प्रभावी कार्यवाही भी की जाएगी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर इंजीनियर का जो अगर नाम पूछे तो नाम है मालिनी दास, ये किस जिले की हैं, तो यह है जयपुर की, ठीक है। अगर मूलतः बात करें कि यह मूलतः कहाँ की है, तो यह मूलतः है पश्चिम बंगाल की, लेकिन यह वर्तमान में जयपुर में ही रहती है, तो यह जयपुर की निवासी है वर्तमान में, और यही राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर इंजीनियर हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो एक शायद कॉन्स्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था कि ट्रांसजेंडर पुलिस पहली ट्रांस राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर पुलिस कौन है, तो ये भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान की पहली ट्रांसजेंडर इंजीनियर कौन है, तो वो है मालिनी दास, इनका संबंध है जयपुर से, यह 22 साल की हैं और यह जयपुर की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने हरित पहल के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस रेलवे स्टेशन को सर्वोच्च प्लेटिनम रेटिंग अवार्ड के लिए चुना है, तो ये चुना है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है जयपुर रेलवे स्टेशन को, क्योंकि जयपुर रेलवे स्टेशन पर 100% LED लाइट लगवा दी गई है और यहाँ पर 1050 किलोवाट क्षमता का सोलर पावर प्लांट भी लगाया गया है, तो और भी कई कार्यों के लिए इस जो ये जयपुर का रेलवे स्टेशन है इसको ये दिया गया है सर्वोच्च प्लेटिनम रेटिंग अवार्ड 2018।
2017 में जयपुर को सेकंड स्थान मिला था, लेकिन इस बार मिला है फर्स्ट स्थान, तो इसका जरूर ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के रोहन रघुवंशी, यह दिव्यांग है और इनका चयन विकलांग क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम में शामिल किया गया है, तो इनका संबंध किस जिले से है? तो इनका संबंध है टोंक जिले से। जरूर ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो रोहन रघुवंशी है इनका संबंध है क्रिकेट से, और इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध है टोंक जिले से। एग्जाम ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि अगर कोई भी खिलाड़ी दे देंगे और उनका संबंध उनका खेल से पूछेंगे, तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में जरूर ध्यानपूर्वक इनको देखना है। अब बात करते हैं, जो ये रोहन रघुवंशी हैं, इन्होंने राष्ट्रीय T20 चैलेंज कप में 36 गेंदों में 100 रन बनाए थे, तो 36 गेंदों में इन्होंने शतक जड़ दिया था, इसीलिए इनका चयन दिव्यांग क्रिकेट वर्ल्ड कप में किया गया, तो काफी इंपॉर्टेंट है। और जो ये दिव्यांग क्रिकेट वर्ल्ड कप है, इनका अभी आयोजन होने वाला है भारत में, तो इसका जरूर ध्यान रखें। और जो ये टोंक है, इस टोंक का जो वन्य जीव है उसका भी जरूर ध्यान रखना आप, उसका वन्य जीव है हंस। क्या है? हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में बरला सोलर पार्क में 680 मेगावाट की 3 इकाइयां स्थापित की गई हैं, यह पार्क किस जिले में स्थित है? ये सभी को पता है कि जो बरला सोलर पार्क है वो स्थित है जोधपुर में, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है वो रखना है कि यहाँ पर हाल ही में 680 मेगावाट की 3 इकाइयां स्थापित की गई है। कितनी की गई है? 3 इकाइयां। अब बात करते हैं, इस सोलर प्लांट की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? तो इसकी कुल स्थापित जो क्षमता है वो है 1,365 मेगावाट। प्रस्तावित क्षमता की बात करें तो प्रस्तावित क्षमता है 2,245 मेगावाट, ठीक है, 2,245 मेगावाट तो प्रस्तावित है, लेकिन स्थापित इसका जरूर ध्यान रखना 1,365 ही है। अगर राजस्थान की कुल सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता की बात करें तो वो है 2,905 मेगावाट, ठीक है, तो 2,905 मेगावाट राजस्थान को सौर ऊर्जा से प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, अब जो नाम आया है जोधपुर, ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है जोधपुर, तो जोधपुर के वन्य जीव के बारे में देखते हैं। जोधपुर का वन्य जीव है कुर्जा पक्षी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका आप जरूर ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारे वीडियो को रेगुलरली यूट्यूब पर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और पास में आने वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।